हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर रील्स तो अपलोड करते होंगे, लेकिन दोस्तों आपकी रील्स पर ना ही लाइक आते हैं, ना ही व्यूज़ आते हैं और ना ही फॉलोअर्स आपके बढ़ते हैं। अब आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपके लाइक व्यूज़ फॉलोअर्स सब कुछ बढ़ना चालू हो जाएंगे और आपकी रील्स जो है वायरल होने का काफ़ी ज़्यादा चांस मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले एक सेटिंग ऑन करनी है अपने इंस्टाग्राम के अंदर, वो ये है आप लोग जो रील्स अपलोड करते हो लो क्वालिटी में अपलोड करते हो, आपको हाई क्वालिटी में अपनी रील्स को अपलोड करना है। अब आपको ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा और आपको हाई क्वालिटी में रील्स कैसे अपलोड करनी है मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पर रील्स को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड कर सकते हो जिससे आपके रीच बढ़े, लाइक्स बढ़े और आपके फॉलोवर्स बढ़े। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़िया होगी तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, दूसरा आ रहा है मैसेज का। तो आपको प्लस पर टैप करना है। इस तरीके से टैप करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है रील्स में। ये मैं रील्स में आ गया हूँ। रील्स में आने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है स्टार्ट न्यू वीडियो, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करने के बाद मैं यहाँ से कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर वीडियो तो कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पे कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया, यहाँ पर लिखा रहा है प्रोसेसिंग, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपको ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर आपको इसके अंदर म्यूज़िक ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हो, जो नेम वगैरह आपको डालना है कुछ भी कर सकते हो आप इसके अंदर एडिट। मैं ऐसे इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसकी क्वालिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे स्वीप अप करना है। नीचे स्वीप अप करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस सेटिंग्स, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है रीनेम ऑडियो, लाइक्स एंड प्लेस, हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील्स, शो कैप्शंस। अब यहाँ पे नीचे लिखा रहा है मीडिया अपलोड क्वालिटी। अब यहाँ पे लिखा रहा है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, ऑलवेज अपलोड द हाईएस्ट क्वालिटी रील्स इवन इफ अपलोडिंग टेक्स लॉन्गर व्हेन दिस इज अ वे ऑटोमेटिकली एडजस्ट अपलोड क्वालिटी टू फिट नेटवर्क कंडीशंस। अगर आप यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी में अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो आपकी जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है रील्स की और काफ़ी लोग देखते हैं। अब आप लोगों ने काफ़ी लोगों की रील्स देखी होगी, काफ़ी लोग आईफोन से अपनी वीडियो बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आपको अपनी क्वालिटी अच्छी चाहिए रील्स की, तो आप यहाँ से जो है इसको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद या आपने ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऑन रखना है। यहाँ पर लिखा रहा है हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील, तो आपको ये ऑफ ही रहने देना है। अब बैक करना है। बैक करने के बाद आपको एक और सेटिंग करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको सेव डेफ्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। हटाने के बाद आपको आना है अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद आपको आना है यहाँ पर थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद आपको नीचे स्वीप अप करना है। नीचे स्वीप अप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेकुलर डाटा यूज़, तो आपको इस पर टैप करना है। आईफोन के अंदर लिखा था डाटा यूज़, लेकिन यहाँ पे लिखा रहा है सेकुलर डाटा सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो है आपको ये भी ओपन कर लेनी है। अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ से डाटा सेवरी आपको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर लिखा रहा है हाई रिसोल्यूशन मीडिया, यहाँ पर लिखा रहा है वाईफाई ओनली, लेकिन आपको इसे ऑन करके रखना है। अगर आपके पास बाई चांस वाईफाई नहीं है और अपने डाटा से अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उससे आपकी जो हाई क्वालिटी में आपकी रील्स अपलोड होएगी। तो ये दोनों सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन के अंदर हमेशा ऑन रखनी है जिससे आप अपने वीडियो को हाई क्वालिटी बना सकते हो, जिससे आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी वीडियोज़ के लाइक भी बढ़ेंगे, रीच भी बढ़ेंगे और लोग आपकी वीडियो को देखेंगे कि भाई इसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़िया, कौन से फ़ोन से ये वीडियो बनाता है। तो इस तरीके से आप अपनी रील्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स
जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतनी, अगली वीडियो मिलते हैं, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।